थोड़ा कंफ्यूजन ही चल रही है BMW को लेके, दिमाग खराब हो रखा है सही में। चलो जी आज का सेशन डन, हालत खराब हो गई है। तो यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 4 जून 2022, मैं हूँ अभी गुड़गांव में, सॉरी 5 जून है, आज गलती से 4 बोल दिया। हेलो ब्रूनो, की हाल चाल, किधर जा रहे है? अरे 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 रुक जा ओए। आज जो है भाई मेरे 15 दिन पूरे हो चुके हैं जो हमने चैलेंज ले रखा है फिटनेस वाला, और ये 15 दिन जो थे ना वो मेन चैलेंज से पहले एक तरह से प्रैक्टिस टाइप आप कह सकते हो, क्योंकि जो अब मेन चैलेंज है ना वो 5 दिन का, और वो कल से शुरू हो रहा है यानी कि 6 जून से, उसमें डाइट बहुत खतरनाक होने वाली है। और उन 5 दिन के बाद फिर से 5 दिन का थोड़ा ऐसा वो होगा, बट उसमें नॉर्मल डाइट है, घर का खाना खाना है, बाहर का नहीं खाना। और अभी के हिसाब से वेट हो चुका है, कम कितना हुआ वो नहीं बताऊंगा, वो तो आप उस वाली वीडियो में ही देखना, बट जितना हमने सोचा था उससे थोड़ा सा कम हुआ है ना। और मेन है कि अभी आने वाले 5 दिन में 5 किलो वजन कम होने वाला है, और फिर जो उसके अगले 5 दिन है उसमें भी 1-2 किलो हो सकता है, बट ये है कि वो बाउंस बैक नहीं करना चाहिए वेट पूरा जो लॉस किया है, तो इसलिए होपफुली 5 से 7 किलो और घटेगा और हम 70s की लाइन में आ जाएंगे। आज मम्मी जी नॉर्मल दिन है, जरा खिला दो खाना घर का। तू भी कल जा रहा है मैंने सुना अपने घर वापस, है जा रहा है ना, क्यों झूठ क्यों बोल रहा है, सच्ची बात है। फिर होट सूझ गया इसका आज, है नहीं तो हो किस ले रहा है, मकड़ी ने काटा क्या, ये हाला हो गया दिखा। फिर तो तू BMW की डिलीवरी पर जा ही नहीं पाएगा हमारे साथ। अब तो घर ही रहना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट में तो वही अपने फ्रूट्स में पपीता और एक केला, मैं इतने फटाफट से ब्रश कर लूं भाई जाके। खाना तो है बट अभी बहन को लेने के लिए जाना है, आज संडे है तो वो यहीं आ रही है, पार तो काफी दिन से रह ही रहे यहाँ पे, तो मैं सोच रहा हूँ पहले ले आता हूँ फिर आके ही नहाऊंगा आराम से ना, वरना अभी बाहर जाऊंगा फिर पसीने पसीने हो जाऊंगा, उससे बेटर है पहले निपटा लो बाहर का काम। और संडे ही है, ज्यादा मेरे को बाहर आज जाना नहीं होगा, घर पे ही रहना है, इसलिए फिर आके नहा के मस्त काम निपटाऊंगा। मेरे को दे दो आगे, लो जी अपने फाल से आगे, और शायद से इस सीजन के लास्ट फाल से होंगे, इसके बाद आएगा भी नहीं। और अभी 300-350 रुपए किलो दे रहे हैं, बहुत महंगा, तो बस ये लास्ट मिले हैं, इसके बाद हम 1 साल के टाटा बाय बाय बोल देंगे फालसों को। उतरो 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 भाई साहब, जल्दी उतरो सारे फाल से, तो ये पार्थ डंगर है ना, भुक्कड़ आदमी, खा गया रस्ते में मेरी चलते चलते, शर्म आ रही इधर को है अपने लिए और मांग रहे। ओह माय गॉड, ये गाड़ी वहां से लाया थी तो मैंने गिफ्ट दी थी इसके बर्थडे पे, चलती है अभी ये, चलाएंगे अंदर आ जाए। यार बकवास ना कर, पहले इतने खा के कह रहे एक और दो, लेकर जाओ यार इसे, मार मार के ले जाओ इसे, इस जंजीरों से बांध दो छत पे जाके। सही में यार गाड़ी तो बहुत औसम लग रही है मैट होने के बाद, मजेदार है ना, चटाके वाली। यार हमारे घर का एक इन्वर्टर खराब पड़ा है जिसमें पूरे घर का कनेक्शन लगा हुआ है, केशव का रूम छोड़ के और मेरा गेमिंग रूम छोड़ के, और नीचे बेसमेंट का जो स्टूडियो है उसमें तो अलग ही है। खैर तो अब लाइट गई हुई है पिछले आप 1.5 घंटे से, मैं नहाने के लिए जाने ही वाला था, लाइट चली गई। और केशव के कमरे में भाई लाइट आ रही है, पंखा चल रहा है, लेकिन वहां जाके नहीं सो रहा, यहाँ गर्मी में बैठा हुआ बिना पंखे के, देखो। ओ भालू, वहां जाके सो जा चल, हैं? ओए क्या पूंछ हिला रहा है। हाँ उठ जा जा वहां चला जा। भाई साहब जैसी व्लॉग करने लगा लाइट आ गई, मस्त मजेदार। अब फटाफट से जाके नहाते और उसके बाद अपना बचा कुचा काम निपटा। फ्लैट में आ गए हैं क्योंकि पांडे जी भी आए हुए हैं, इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसकी एक वीडियो बनानी है, और साथ ही साथ हम क्रिकेट भी खेलेंगे। लो जी पहुंच गए लेजर वाली ग्राउंड, और आज तो तगड़ी भीड़ है, संडे है ना, और ये आधी टीम अपनी यहाँ खड़ी है। सही चल रही है अब तुम्हारी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं, सनरूफ हो रही है बंद। बाकी जनता कहाँ गई सारी? उस ग्राउंड में भीड़ बहुत थी, तो उसी के सामने ये पत्थर वाला ग्राउंड है, मतलब सीमेंटेड, यहीं पे लगा लेते और खेलते हैं। निकालो जी निकालो औजार, निकालो सारे, ये देख रहे हो भाई साहब विकेट विकेट सब रख रखी है तुमने, ओह स्टैंड भी है, बस फिर तो काम हो गया क्योंकि यहाँ पे घुसेगी नहीं। सही है, 2 बैट भी आ गए, 1 बैट हमारे पास है। रनर बनवाना हो तुम्हें बता देना किसी को, अगर हम बना देंगे वो दोनों ही है यहाँ। लेदर कहाँ, इलेक्ट्रिक नहीं है क्या इसमें, टेल गेट है यहाँ पे, क्या कर रहे हो, सिगरेट पीने लग गए क्या तुम?
तो बॉल को थोड़ा सा जलाया जा रहा है ताकि ऊपर के इसके बाल सड़ जाए। यहाँ पे हमें 6 भाई लोग और मिल गए थे, तो 9 हम थे, 6 ये, 15 लोग हो गए, जिसमें से अपने मिश्रा जी जो है वो अंपायरिंग कर रहे हैं। 14 लोग में से 7-7 की टीम बढ़ गई है। फटाफट शुरू करो, शुरू। हाँ, बाउंड्री बताओ और हमारी बैटिंग आई है। पहली 7 ओवर का मैच है, पेल पेल के मारेंगे। और भाई पूरे ग्राउंड के रन है चारों तरफ, आगे पीछे नीचे पीछे हर जगह के। लाओ मेरा बैट दे दो, बल्ला दो, मैं अपने वाले से खेलूंगा। क्या उधर कहा तुम कर रहे हो, पावले हो क्या? बैटिंग मैच चढ़ रहा हूँ, मजाक नहीं दे रहा। अरे मेरे से अगले वो अभिषेक चढ़ा हुआ है। अंपायर जी, भाई पहुंचो यार, ना ना पीछे भी रखो। अरे भाई बहुत हो जाएगा, बंदे से। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो क्या है, विकेट है ना, विकेट के उधर। समझ गया समझ गया। अंपायर तुमने वीडियो बनानी मेरे छक्के मारते हुए, लंबे लंबे छक्के मारोगे, आउट हो गया तो काट कर, कट कर देना। वाइड बॉल थी वैसे, पहली बॉल पे एक रन, चौका चौका भी दे दिया। ये पहली बॉल, एक बॉल चार रन, ओ छक्का, 3 बॉल 10 रन। कुछ गलती खेल रहा है, रन बोल तो अच्छा खेलता है। पीछे का ये बॉल 9 रन, 2 बॉल 4 रन। वाइड का रन था, वाइड का रन नहीं है कोई। ओ पीछे पीछे, 3 बॉल 13 रन। नाइस बॉलिंग सागर, शाबाश बॉय। सुन सागर, तेरा ना ओवर छोटा बता दूं मैं। मार यार साले का, खोपड़ी तोड़ रे, खोपड़ी तोड़ साले। रुक गए, जल्दी जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी यार, ये चौका रखो ना बस। वो भट्टा नहीं आनी चाहिए, स्पिन डालो केशव, मैं नो बॉल दे दूंगा। डालेगा, नो बॉल हो जाएगी, भट्टा आई तो। 2 ओवर 15 रन। बॉल नहीं दिख रही क्या? एक भी बॉल नहीं डाल पाए अभी तक केशव, ट्राई कर रहे हैं तब से, लेकिन बहुत ही भाई आए आए, मारो 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 इधर। बहुत ही बढ़िया उम्दा प्रदर्शन बल्लेबाजी द्वारा। तो भाई बैट्समैन को क्या कर रहे हैं? हाय हाय टीम, ओ इसी बॉल पे अनमोल बोल्ड होने वाला है। ओ नाइस बॉल यार, छक्का भाई, तो खेलने वाला साला बॉल खराब कर रहा है भाई। वाह पांडे जी, में बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है। बहुत बढ़िया यार, अनमोल भाई हो गया है रिकॉर्ड जी के साथ। पांडे जी हुए रिटायर और ये आ गए वेस्ट इंडीज के बड़े खिलाड़ी कैरम पोलार्ड, और ये आ गए हमारे गुरु। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ओ यार कैसे 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 यार, सागर यार नाइस कैच यार। और ये अजय गुप्ता बैटिंग पे आ गए हैं, बहुत हैवी खिलाड़ी वेस्ट इंडीज कैरन पोलार्ड। तो भाई अपने 7 ओवर की बैटिंग खत्म, 44 मारे हैं, 45 का टारगेट है, अच्छा खासा रन बन चुका है। पहले ओवर हमारी तरफ से आए हैं रुद्राक्ष जी नई गाड़ी लेकर अपनी, लेट्स सी कितने पे रोक सकते हैं। क्या कहते हो, क्या कौन जीतेगा? ये लोग जीतेंगे, अगर हम जीते तो तुम हमारे साथ नहीं हो भाई। अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहीं पे देखना, सबसे ज्यादा बॉल आएगी और मुझे ये भगाएंगे, मेरी तोंद बीच में आएगी। और अब थोड़ा स्टैमिना बढ़ गया जब से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ 15-20 दिन से, मस्त एकदम। चलो चलो चलो, विकेट आएगी पहली ही गेंद पे, विकेट पहले ही गेंद पे, विकेट, शाबाश शाबाश, आउट होएगा, आउट 20 से पहले रोकना है। पांडे तुम्हारा फोन यहाँ लगा रहा हूँ, देखते रहना। पहली ही गेंद पे बोल्ड मार दिया है, आहा आहा आहा। और ये ओवर की समाप्ति, एक ओवर के बाद है 2 रन केवल और 1 विकेट भी, अब मैं डालेगा। अच्छा रोक लिया अभी पहले ओवर में, तो 45 रन का टारगेट इनके लिए थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे अभी। चलो चलो, 2-2-3 3-3-3 3 3, चलो 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 जी, मैच हो गया है, हम जीत चुके हैं। सेकंड मैच टाई रहा, 3 दिन और का करा था, अंधेरा हो गया बहुत ज्यादा, पर मजा आया भाई साहब, मैं कह रहा हूँ। तीसरा वो तो सुपर ओवर था ना, टाई का भी टाई हो गया, मतलब एक इन चोट हम ही जीते जो जीते। चलो भाई चलो, हाँ जी, हारने वाली टीम कैसा लग रहा है, मजेदार? चलो भाई मिलते हैं फिर, आ जाओ वहाँ, मस्त मजा आया भाई इतने टाइम बाद क्रिकेट खेलने का। कार रिव्यू तो कर ही नहीं पाया, और मैं घर आया, अब अपना जो पार्थ है वो खाना खा रहा था, मुझे पता नहीं था मेरे पीछे ही लेटा हुआ है वो बेड पे, मैं पीछे यूं हो गया और सारी पीछे कमीज पे मेरे सब्जी लग गई, तो इसलिए कपड़े बदलने पड़े आते ही। लास्ट ब्लॉग में से कुछ क्वेश्चंस उठा लेते, कुछ नहीं मतलब एक दो ही। एक हमारे मुदित केजरीवाल जी है, वो कहते हैं आई थिंक यू शुड ट्राई इन अदर सिटीज ऑल्सो फॉर BMW। तो यार भाई देखो, इंडिया में ना मैंने टोटल 11-12 BMW के शोरूम, जितनी भी सिटीज है अपने आसपास की, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, फिर दूर दूर गुजरात, बेंगलोर, मैंने कहा जहाँ से मिल जाए, मुंबई में भी पूछा, बट हर कोई यही कह रहा है अभी बुक करवाओगे तो 3-4 महीने की मिनिमम वेटिंग है, तो मोटा मोटा वही सितंबर अक्टूबर में आपको गाड़ी मिलेगी।
तो फिर भैया जब बर्ड ऑटोमोबाइल में ऑलरेडी बुक्ड है तो क्या कर सकते हैं। बाकी सेकंड हैंड वाली गाड़ी को लेकर काफी लोग कह रहे थे कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सेकंड हैंड में मत लो, वो फीलिंग नहीं आएगी। तो बिल्कुल भाई मैं एग्री करता हूँ, मैं शायद से नहीं लूंगा सेकंड हैंड, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी लेके भी सेकंड हैंड लूंगा तो मन में संतुष्टि नहीं रहेगी। और जो नई गाड़ी की डिलीवरी लेने में मजा है ना, ओए होए होए, उसका अलग ही स्वाद है ना। अच्छा, काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि BMW के लिए वेट करो और जो आपकी रोड ट्रिप है ना वो थार में किसी और गाड़ी में कर लो। बट भाई वो बहुत लंबी रोड ट्रिप है, जैसे कि मैंने कहा पूरी डिटेल आपको मैं दे नहीं सकता हूँ, तो उसमें एक कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए और प्लस मेरा मन BMW से ही है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि BMW में ही मारेंगे। वरना अगर दिक्कत नहीं होती तो भाई मैं कब का निकल चुका होता ना थार में, इतना सोच क्यों रहा होता है ना। फिर अब फाइनल डिसीजन मैंने ये लिया कि BMW वालों पे मैंने छोड़ा है 2-4 दिन, 1 हफ्ते के लिए उनसे बात कर रहा हूँ मैं, वो पीछे से पता लगा रहे हैं थोड़ा सा कि क्या वो मुझे व्हाइट के अलावा दूसरा कलर जो है वो इसी महीने या जुलाई के स्टार्टिंग में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। अगर तो दे सकते हैं तो हम BMW अपनी व्हाइट कलर वाली कैंसिल करवा के ब्लू बुक करवा देंगे और इस महीने या फिर अगले महीने मिल जाएगी। बाकी ब्लू नहीं तो सही, ब्लैक सही, जो भी कलर मिल जाए अपन ठीक है यार, ट्रिप करनी है, मेन तो वो है रंग में क्या, अंदर से तो सब कुछ सेम है। और अगर वो कहते हैं कि कन्फर्मेशन नहीं है, ट्राई कर सकते हैं, तो मैं भैया फिर वाइट भी कैंसिल पता नहीं करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा। थोड़ा कन्फ्यूजन ही चल रही है BMW को लेके, दिमाग ख़राब हो रखा है सही में। मतलब इतनी महंगी बंदा गाड़ी ले रहा है, उसको भी गाड़ी नहीं मिल पा रही, परेशान हो गया। चलो कोई नहीं भाई, ख़त्म करते हैं बातचीत ये जो है ना, इस हफ्ते में भाई फाइनल हो जाएगा BMW को लेकर। उसके बाद मैं फिर पक्की बात है 2-3 महीने तक आपके सामने BMW की बात भी नहीं लाऊंगा। या तो गाड़ी मिल जाएगी इसी महीने, या फिर मैं कैंसिल करवा दूंगा, या फिर मैं अगर वेट करूंगा अभी ना 3 महीने का, तो मैं आपके सामने व्लॉग में एक दिन भी नहीं बोलूंगा BMW X7 के बारे में। फिर मैं छोड़ दूंगा, जब मिलनी होगी मिल जाएगी भाई, है ना। और ये टी शर्ट अभी मेरी बहन ने थोड़ी सी वो कर दिया तो दाग ना काफी हद तक हट चुके हैं, पहन के दिखाता हूँ जब ही दिखेगी अच्छे से। ये देखो भाई, ये पूरा पीला पीला दाग लग रहा है ना, यही है वो सब्जी का, मेरी फेवरेट टी शर्ट में से एक थी और अब ये खराब हो गई है, पता नहीं दाग हटेंगे या नहीं हटेंगे। अच्छा भाई लोग, मैंने व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पे क्लिक करिए और शुरू करिए सेविंग्स की जर्नी विद थलाइवा ऑनलाइन बुक। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज सीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। चलो जी बाय।